भोपाल के हबीबगंज थाने के बाहर ये हंगामा है कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं का। इनकी मांग है कि राघव जी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। अश्लील सीडी मामले में घिरने के बाद राज्य के वित्त मंत्री राघव जी को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन कांग्रेस नेता इस्तीफे भर से नहीं मानने वाले। यहाँ हमारी मांग है कि उनके खिलाफ यहाँ FIR दर्ज की जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। विधानसभा में भी ये मामला उठेगा, पूरे देश में उठेगा और CBI की जांच होना चाहिए और राघव जी को गिरफ्तार किया जाए। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की मुश्किलें कम नहीं। भोपाल के चर्चित शहला मसूद हत्याकांड में फंसे BJP विधायक ध्रुव नारायण सिंह का मामला ठंडा नहीं हुआ था कि वित्त मंत्री राघव जी का मामला सामने आ गया। विदिशा से विधायक वित्त मंत्री के नौकर राजकुमार डांगी ने मंत्री जी पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए CD भी जारी कर दी। हालांकि इस CD कांड में नाम आने के बाद मंत्री जी सफाई देने में लगे हुए हैं। मैंने तुरंत फैक्स से वो त्याग पत्र भिजवा दिया है। उन्होंने कहा बाद में मैं लौट कर आपसे बात करूंगा। जरूरत नहीं समझिए मेरे को कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सोच विचार कर आपसे कह रहे हैं। हमारे जिले का एक लड़का है, वो हमारे यहाँ उसको कहीं कमरा नहीं मिल रहा था तो हमारे यहाँ रहता था। रात को बैठता होगा, पैर दबाज बैठता था, वो है होगा तो सही, इसके पीछे कुछ भी तो मेरे कुछ पर, हम तो TV भी नहीं देखते, ऊपर से तो अच्छा लगता था, आप भी मिलोगे तो अच्छा लगेगा। किसको मालूम है, कुछ नहीं, वो तो पैर दबाता था, पानी दे रहा था चला जाता। वहीं कांग्रेस अब इस मामले को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश की जनता को ये बताना चाहिए कि किन कारणों से इस्तीफा लिया। हम लोगों की जानकारी में है कि राजकुमार डांगी नाम के किसी नौजवान ने इनकी शिकायत की है तो इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जैसे साधारण लोगों पर केस चलता है उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, इन्हें भी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। विवादों से भरी सुर्खियां बटोर रहे अपने मंत्रियों से खुद शिवराज सिंह भी परेशान हैं। उनके लिए ये सब तब हो रहा है जब राज्य में चुनाव महज 4 महीने दूर हैं। सचिन चौधरी के साथ दीप्ति सिंह, भोपाल, जानो दुनिया।